हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है, 2024 का। फ्रेंड्स, इसके ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है, तो मैं आज लेटेस्ट तरीका 2024 का बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल से आधार कार्ड या ई आधार कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद उसको पासवर्ड डालकर कैसे ओपन करते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपके पास ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे ना, तब आपसे वो पॉइंट मिस हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। चाहे आप इसको कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो या मोबाइल के क्रोम में ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है आधार कार्ड डाउनलोड। ये मैंने आधार कार्ड डाउनलोड लिख दिया, और जो इनकी वेबसाइट आएगी ना, पहली वाली UIDAI.gov.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर देना है। अब फ्रेंड्स, इनकी ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, एक ऑप्शन दिखेगा आपको गेट आधार, और उसके अंदर एक डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, ये अपना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर पहले से है, तब आपको आधार नंबर डालना होगा। अगर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है, तब आपको ना एनरोलमेंट आईडी नंबर मिला होगा आधार कार्ड से। वो एनरोलमेंट आईडी आपको ना उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है, जिसमें आईडी और डेट टाइम लिखा होता है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास आधार नंबर है, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आपको ना कैप्चा एंटर करना होगा, ये जो लिखा हुआ है। अगर ये आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वाला कैप्चा आ रहा है, ये कैप्चा मैं एंटर कर लेता हूँ। कैप्चा एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर दो। अब फ्रेंड्स, जो आपका आधार कार्ड होगा ना, उससे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी यहाँ पर आ चुका है मेरा, तो मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। उसके बाद व्यू वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दो। ये देखिए फ्रेंड्स, सक्सेस आ चुका है, ठीक है। योर आधार कार्ड हैज बिन डाउनलोडेड, और जो भी आपका पीडीएफ व्यूअर होगा ना मोबाइल का, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए एक चीज मैं बता दूं, ये पीडीएफ ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, इसको कोई भी ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। और पीडीएफ पे ओपन कर लो आप, और पीडीएफ पे मैंने क्लिक कर दिया। पीडीएफ को ओपन करने के लिए ना पासवर्ड डालना होगा। अब पासवर्ड क्या होगा, जो भी आपका नाम होगा ना, उसके शुरू के 4 अक्षर होंगे, ठीक है। और जो भी आपकी सन होगा ना, डेट ऑफ बर्थ का सन, आखिरी का 1990, 1995, वो डालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ अपने, शुरू के 4 नंबर लिखता हूँ। पहले मैंने शुरू के 4 नंबर लिख लिए। अब मुझे ना अपना सन एंटर करना होगा, अपने जन्म तिथि का, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो मैंने 1995 एंटर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक कर दो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऐप क्राफ्टिंग हब को ये सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। यानी जब भी हम कोई नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, ताकि आप वो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोज पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने यूजर के साथ इंगेजमेंट बनाए रखता हूँ, उनकी कमेंट का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ई आधार डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हो, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके, और इसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो किसी से भी, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करना, ताकि उनको भी 2024 का लेटेस्ट तरीका पता चल सके, जिससे वो अपना ई आधार डाउनलोड कर सकें, और डाउनलोड करने के बाद उसको पासवर्ड डालकर ओपन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस।